गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड गेस वेयर आई एम इन अमृतसर इंडिया। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अमृतसर, जिसके लिए मुझे बहुत बचपन से बहुत इंतज़ार था। तो मेरी बचपन की विश पूरी होने जा रही है आज एंड आई एम इन होटल डायमंड। ये है बस अड्डे से बहुत पास, तो मैं रात को 10-11 बजे दिल्ली से निकली थी और 7 to 8 o'clock हम पहुँच गए थे। तो आके हमने जस्ट वॉक इन वाला होटल लिया, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। तो कोई आता है यहाँ पे तो प्लीज़ स्टे हेयर, तो अच्छा है। अभी हम जस्ट आए थे और अभी मॉर्निंग के 10 o'clock हो रहे हैं, जस्ट फ्रेशन अप हुए और हम निकल गए हैं। सो तुषार और मैं आए हैं, जो तुषार और मैं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और अभी ई रिक्शा बुलाया है। तो अभी यहाँ से ई रिक्शा वाले भैया ले रहे हैं 50 rupees गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ अमृतसर, मैं भी पहली बार आई हूँ और जो जो मेरे से कैप्चर हो पाएगा मैं आप लोग को सब कुछ दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून विद मी, लेट्स गो गाइस। अभी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने आज का मेरा ये आउटफिट था तो उसमें मेरी चुन्नी नहीं थी, तो ये वाला दुपट्टा मैंने अभी यहाँ से बाय करा है जो कि था 150 Indian rupees में, और आंटी ने मुझे 100 rupees का लगा दिया बिकॉज मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ। तो मैंने 100 rupees का ये दुपट्टा लिया है और रिक्शा वाले भैया नहीं बता रहे क्योंकि 5 मिनट आई थी वॉकिंग डिस्टेंस है, तो रिक्शा नहीं जा सकते अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं, तो जितना कैप्चर होगा मैं दिखाऊँगी। स्टे ट्यून्ड। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी सोच रही हूँ कि सपना जल्दी जल्दी पूरा हो रहा है और मैं आगे बढ़ रही हूँ, पता नहीं कितनी दूर जाना है। तो इट्स माय फर्स्ट टाइम और हमारा फर्स्ट टाइम है, तो आई थिंक आप लोग का भी फर्स्ट टाइम होगा क्योंकि मैंने इसलिए व्लॉग शूट करा कि आप लोग को मैं मेरी मेमोरी सेव हो जाएगी और आप लोग भी देख पाओगे। तो बस जा रहे हैं, पता नहीं कितना वॉक करना है बट बहुत सारा क्राउड था, तो मैंने कहा कि ना मैं कैप्चर करूँ, देख सकते हो कितनी सारी भीड़ आ रही है। तो गाइस फाइनली टेंपल दिख चुका है, ये रहा टेंपल और क्राउड देख सकते हो आप कितना क्राउड हो रहा है। अभी बहुत अच्छा दिखेगा और अभी हम लाइट में भी आएंगे, अभी यहीं जाएंगे। ये देखो क्राउड कितना है, मतलब वाइब्स बोलते ना अलग ही वाइब्स आ रही है। और ये देखो चलो आपको अंदर जाके दिखाते हैं टेंपल का क्या व्यू आ रहा है। वैसे आई थिंक ऐसा होता है कि अंदर ज़्यादा फोन वो बोल रहे थे अलाउड नहीं है, पर जितना कैप्चर होगा हम पूरी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो आपसे आगे मिलकर थोड़ी देर में। हे गाइस, तो अभी हमने शूज़ दे दिए हैं और काउंटर पे और हमने टोकन ले लिया है, तो जो ऑल मतलब सारे गुरुद्वारे में ऐसा ही होता है। तो हमने अभी शूज़ दे दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं। एंट्री हमें नहीं पता है बट भीड़ जहाँ जा रही है, लोग जहाँ जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक म्यूजियम वगैरह सब कुछ दिख रहा है और बहुत सारे फाउंटेन है और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं और वो दिख रहा है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा टेम्पल है यहाँ पर। चलते हैं ना, देखते जहाँ पर कैप्चर हो पाएगा। आई डोंट थिंक सो कि अलाउ होगा फ़ोन, तो जहाँ पर कैप्चर होता है आई एम डूइंग। तो गाइस ये देखो, ये है पीछे गोल्डन टेंपल। वी आर फाइनली रीच्ड इन गोल्डन टेंपल और मतलब इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ पे कि देख सकते हो आप लोग, ये देखो बहुत ज़्यादा क्राउड है। और अभी हम आपको रेयर कैमरे से दिखाएंगे लाइन, मतलब लाइन कितनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। और ये देखो, और हमें शाम को दर्शन करने थे बट हम आ गए अंदर क्योंकि अभी ना पहले कहीं और जाने का मन मान नहीं रहा, तो देखते हैं अभी लाइन में लगे हैं लास्ट टाइम कैमरे, बट वी आर फाइनली। चलो अब आओ, अब आपको थोड़ी सी लाइन दिखाते हैं, फिर थोड़े से आप सिनेमैटिक एंजॉय करो। ओके, देखो गाइस यहाँ से लाइन शुरू है, लाइन है यहाँ पर बहुत बड़ी।
से आप लोग देख रहे हो कि मैंने दर्शन के लिए बोला था हम बैठ गए हैं क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी है, बहुत लंबी, आई थिंक 4 or 5 hours लगेंगे दर्शन करने के लिए, तो वी जस्ट पोस्टपोन दैट और हम जाएंगे शाम को दर्शन करने के लिए। वैसे मुझे नाइट में आना था, मैंने जैसे बताया था कि नाइट व्यू देखने के लिए, तो हम शाम को दर्शन करेंगे। तो अभी कुछ खाया नहीं है और धूप बिल्कुल खड़ा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा सन वेदर हो रहा था, बहुत गर्मी हो रही है, हमारी शक्ल ऐसी हो गई है। अब हम बैठ गए हैं, वेट कर रहे हैं और यहाँ से नज़ारा ले रहे हैं, टेम्पल और व्यू देख रहे हैं और ऋषि से मिल रहे हैं और वेट कर रही हूँ, अभी देखते क्या प्लान होता है आगे, बट अभी जस्ट पोस्ट ऑन दैट प्लान और शाम को जाएंगे। अभी हम रेडी होके अगैन आ गए थे दर्शन करने के लिए, तो हम पहले दर्शन करने नहीं गए, हम पहले आए हैं जलियांवाला बाग, तो जो आपने थोड़ा बहुत एंट्री में क्लिप देखे तो हम जलियांवाला बाग आए हुए थे और मैंने सीधा शूट करना डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया क्योंकि एंट्री से बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें लेनी थी। बच्चों के लिए अच्छा है, ए टू जेड सारी चीज़ें दिखा रखी है, लोगों के ब्लड के निशान हैं, लोगों के बुलेट्स के निशान हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे बुलेट लगी थी, हमने थोड़ी क्लिप्स ली हैं तो आगे पीछे क्या डाउन करूंगी मैं, शायद आपने देख लियो शायद नहीं देखियो, वॉल पे एक एक बुलेट्स के मतलब जहाँ जहाँ पे बुलेट्स लगी है वॉल पे वहाँ पे निशान भी है, उस चीज़ को पूरा हाईलाइट कर रखा है, तो आप लोग आओ और मतलब अच्छा लगता है यार, पता है ये हिस्ट्री की चीजें, टाइमिंग भी अच्छी है कि अभी तक ओपन है, ये हिस्ट्री की चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए यार आजकल, और हमने तो शुरू से बुक्स में ही पढ़ा था तो अभी आके देख रहा तो बहुत ही रियलिस्टिक चीजें मतलब देखनी चाहिए। हमने भी आज तक स्कूल में ही सुना था कि भाई जलियांवाला बाग में ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, पर लिटरली लाइव देख रहे हैं आज देख रहे हैं ना, वो बहुत लिटरली बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है और बहुत कुछ मतलब बोलते हैं ना देखते ही बंदे को अच्छा लग जाता है, अंदर से वैसी फीलिंग्स आने लग जाती है, वाइब्स अच्छी हो जाती है। हमारे देश में ऐसा हुआ था तो खुद में भी थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए, चीजों को होती है थोड़ी सी, तो चलो लेट्स गो, अभी देखते हैं आगे क्या क्या है। वैसे पीछे जो चीज़ें थी मैंने क्लिप में ली है क्योंकि बहुत जगह में ना वो अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी का, क्राउड है, बच्चे बच्चे आ रखे हैं और बच्चों को मोस्टली आप लोग लेके आओ, वन टाइम तो आप आ ही सकते हो देखने के लिए, तो मैं शायद ज़्यादा ना बोल पाऊँ कहीं पर आगे, अब मैं शूट करती रहूँगी, सोचती रहती हूँ लाइव आ गए हैं। हाँ अभी आपको बुलेट्स के निशान दिखाते हैं, ये देखो एक एक चीज इन्होंने हाईलाइट।
जो चीज़ें हैं आगे पीछे जो भी रेगुलेट होगा, बट इन चीज़ों को नहीं छेड़ा है, ये मैंने पहले से पढ़ा हुआ था तो ना ये, और बल्कि मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है ये देख के, ऐसे रियलिस्टिक था तो ना ऐसे गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि ना ऐसे रियल भी चीज़ें होती हैं। तो यार जैसे विंडोज़ हैं वो बंद है, पता नहीं यहाँ पे क्या था क्या नहीं था, और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो ये है पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो पहले वाला 28 बुलेट्स का था और यहाँ पे 36 बुलेट्स चली थी। हम आपको छोटे छोटे क्लिप्स, मतलब बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है ना, यहाँ पे ना गार्ड्स बैठे हुए हैं, तो यार वो मतलब उनका कहना भी सही है, हर जगह वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं हो पाती, तो बहुत सी जगह हम छुप छुप के थोड़ी क्लिप्स ले रहे हैं, पर बाकी तो मेन थिंग इज दैट कि हम अमृतसर आए पर हमें कहीं स्टिकनेस ऐसे मिली नहीं।